सर। आज हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के गुसाईगंज क्षेत्र में, जहां पर संकल्प फिलिंग स्टेशन पे, जहां पर लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों में काफ़ी समस्या है कि इस महंगाई के दौर में किस तरीके से लोग अपना घर चला पा रहे हैं। उस मुश्किल वक्त में लोग बाहर आने जाने में भी समस्या क्रिएट हो रही है उनके लिए, पेट्रोल और डीजल डलाने के लिए भी उनके पास वो पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया। क्या नाम है आप? दिनेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सखनापुर ग्राम पंचायत है, कोड़दा मजरा है हमारा। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं लगातार, उससे आप क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल का दाम जो डेली बढ़ रहा है, उससे आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि जो मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी पर काम मिल नहीं पाता है, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं और आने जाने में उनको दिक्कत होती है, कहीं रास्ते में पेट्रोल खत्म हो रहा है, 150 रुपये में उनको भरपाई हो नहीं पाती। तो जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है, अभी इसी माह करीब 3 से 2.5 रुपए का रेट बढ़ा हुआ है, आप मुझे उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको संज्ञान मिले, और किसानों के लिए भी डीजल बहुत महंगा हो रहा है। आए दिन जैसे मेंथा की खेती चल रही है, उस पर डीजल महंगा हो रहा है, 85 रुपये कुछ पैसे लीटर का डीजल हो गया है, और किसान भी अपनी खेती सही से कर नहीं पा रहे हैं, और सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, कुछ रेट कम करे ताकि जो है आम आदमी कुछ मदद मिले। जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल जो दाम बढ़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समस्या होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे सर्विस करने वाले लोग हैं, तो उसी का काम चल रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, तो गरीब आदमी परेशानी है, 200-300 रुपया कमाते हैं, आजकल उनको भी काम नहीं मिल पा रहा है। क्या जो घर में गेहूँ हम बेच के अपना काम चलाए, कहाँ तक चलाएंगे? अगर 50 रुपये के तौर पर तेल कराते हैं, तो कहीं शादी ब्याह कहीं जाना है तो अगर रास्ते में ही पेट्रोल खत्म होता है, उसके बाद उनको नहीं हो पाता है। अगर 200-300 कमाते नहीं काम मिलता है, तो कम से कम वो अपना काम तो सरकार उनको काम दे। कोरोना के चक्कर में कम से कम सरकार कुछ तो उनको सर्व करे। इतनी महंगाई बढ़ाते जा रहे, पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा तो आम आदमी के साथ काम बढ़ेंगे, उसके बाद हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी पूरी तरह से। लोग इसी में तो गरीब हम परेशान हैं। मोदी जी का उस पर कुछ कहना चाहिए, उनको करना चाहिए, गरीबों को सहायता करना चाहिए। तो लगातार जो इस महीने पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर केंद्र सरकार को आप एक्शन ले, देखिए कि भाई क्यों बढ़ा रहे हैं आप महंगाई करते जा रहे हैं। इस पर देखो कि छोटा नीचे ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, हैं? आप प्रधानमंत्री हैं, आप कम से कम इसको देखिए तो, हैं कि आप जिन लोगों के पैसा भरा उनको चलो ठीक है, चल रहा है उनका काम, लेकिन आप गरीबों को तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कैसे उनको रोटी चल रहा है, खाना चल रहा है कम से कम। वो बेचारे कभी दाल है तो सब्जी है तो दाल नहीं है, दूध है तो चार नमक रोटी खा रहे हैं। मतलब महंगाई से बहुत बहुत परेशान है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके पास भेजा बोल रहा हूँ। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट तो अपनी ड्यूटी जो लगा रखी है इसका, वो अगर हटा दे तो लोगों को, पब्लिक को फायदा मिलेगा इसका। इस माह पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, वो तकरीबन कितने रुपए बढ़े होंगे, कुछ अंदाज़ा है? इससे 4 से 5 रुपए तो लगभग बढ़े ही हैं। तो आम आदमी को जिस तरह से लोगों को तकलीफ हो रही है इस लॉकडाउन में, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उस मुश्किल घड़ी में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आप उस पर क्या कहेंगे? इस रेट पे बढ़ता जाएगा, अगर इसी तरह रेट बढ़ता जाएगा तो आम आदमी तो वैसे भी मर रहा है, लॉकडाउन में ना उसको काम मिल रहा है, ना तो कहाँ से घर चला पा रहा है, कहाँ कैसे क्या कर रहा है। उसके बाद खेती में भी जैसे डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, तो उसे ट्रैक्टर की जुताई है, सिंचाई है, हर चीज बढ़ती जा रही है। जब इसी तरह बढ़ता जाएगा तो आम आदमी पे ही तो लोड पड़ता जाएगा। देश में एक तरफ कोरोना की महामारी की जो लहर है वो अपना असर दिखा रही है, वहीं बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहीं न कहीं अब महंगाई पर जो है वो जोर देते हुए अपने असर में आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही है,